प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के बाद पर्यावरण के संरक्षण हेतु चलाए गए अभियान पॉलीथीन नो मोर के चलते एक ऐसी ही अनोखी पहल देखने को मिली है। अंबाला में जहां पर्यावरण संरक्षण हेतु पॉलीथीन मुक्त अंबाला एक प्रयास की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष राधिका चिम्मा के नेतृत्व में अंबाला शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 175 घरों में जूट के बैग बांटे। इस संगठन की प्रधान राधिका चिम्मा ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत को उसके लक्ष्य तक ले जाने के लिए समाज की भलाई हेतु तत्पर कार्य कर रही हैं। इन्होंने मंगलवार को हुई इस मुहिम में पॉलीथीन से होने वाले दुष्प्रभाव को बताते हुए लोगों को जागरूक भी किया कि पॉलीथीन से क्या क्या नुकसान है। विधायक असीम गोयल ने संस्था की इस मुहिम हेतु हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। दुकानदार से लेना भी नहीं है और लोगों को भी कहना है, आसपास लोगों को भी कहना है कि पॉलिथीन ना यूज करें, नहीं करना। अभी लाते हो घर पे पॉलिथीन? अभी नहीं, दुकानदार से लेना। दुकानदार को बोलो ये बैन हो चुके हैं, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कपड़े का बैग, जूट का बैग घर से लेके जाओ। ये लेके जाना सोचता है, और दुकानदार से पॉलिथीन लेना भी नहीं है। दुकानदार दे तो आपने साफ लेना चाहिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।